बात करें तो काफ़ी अनवुमन का जो नाम है काफ़ी अजीब सा लगता है, कुछ नयापन लगता है, क्या प्रयास करना चाह रहे हैं आप इस फिल्म के माध्यम से? नामर्द शब्द तो सबने सुना है, ना औरत शब्द किसी ने सुना नहीं है, पर क्या अगर कोई शारीरिक रूप से कुछ अलग बनाया तो भगवान ने है ना प्रकृति में, तो अगर बनाया गया है लेकिन वह शख्स अपने आप को आइडेंटिफाई करता है एज अ फीमेल और एज एनीवन, तो क्या समाज को हक है उसे किसी ना वुमन अन वुमन कहने का? तो इसीलिए इस मूवी का जो टाइटल है वो अनवुमेन है, सो दैट लोगों को थोड़ा सा सोचने पर मजबूर किया जा सके। इसकी फिल्म में जो प्रेरणा है आपको कहाँ से मिली, किस तरह से मिली आपको? बचपन में जब छोटी थी तो शादियों पे किन्नर समाज आया करते थे, नाच गाना करते थे, तो तब ना जब बच्चा होता है ना उसके पास कोई कंडीशन अप्लाई वाला दिमाग नहीं होता है, उसे नहीं पता, उसके लिए तो कोई चीज़ सुंदर है, जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। तो मैं देखती थी, मुझे याद है एक किन्नर समाज से ही एक आई थी और वो बहुत अच्छा नृत्य कर रही थी, मुझे नृत्य बहुत पसंद है देखना, तो मैंने क्या देखा कि लोग ना फुसफुसाहट कर रहे हैं ऐसे करके, तो मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि ये तो इतना अच्छा नृत्य कर रही है, ये लोग फुसफुसा क्यों रहे हैं और ऐसे भवें क्यों चढ़ा रहे हैं। तो धीरे धीरे बड़े हुए और समझ में आया कि हमारे समाज में किस प्रकार से हम उनकी तरफ रवैया रखते हैं। वैसे वक्त बदल रहा है, धीरे धीरे काफ़ी अवेयरनेस आई है मेन स्ट्रीम में, सरकार समाज के कई लोग उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो खुद भी इम्पावर्ड हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें अभी तक पहुंचनी हैं, आगे जानी है। तो वहीं से प्रेरणा मिली, क्यों ना एक खूबसूरत प्रेम कहानी बनाई जाए, एक लव स्टोरी जिसका उद्देश्य है कि ये दो इंसानों के बीच की लव स्टोरी है। हमने नहीं हम नहीं दिखाना चाह रहे हैं कि वो किन्नर है, वो नारी है, वो पुरुष है, वो बस दो इंसानों के बीच की कहानी है। पर क्या समाज के लिए ये बहुत है कि दो इंसानों के बीच प्रेम हो सकता है, या समाज उनको बांधता है एक विशेष शरीर में जिस शरीर को लेकर आप पैदा हुए हैं? तो इस कहानी को दिखाने की प्रेरणा मुझे वहाँ बचपन से मिली, जिसके लिए मैंने लिखा और फिर डायरेक्ट किया। जैसे आपने नामर्द के बारे में कहा तो वो कहीं ना कहीं पुरुष में कमी होती है, क्या औरतों में किस तरह की कमी होती है? मैंने नहीं कहा कि ऐसा कुछ भी कमी होती है, होता क्या है, बार बार वही बात है, आपको प्रकृति ही बनाती है किसी भी तरीके से, तो कोई भी चीज़ अप्राकृतिक कैसे हो सकती है? जब हमें भगवान ने ही जन्म दिया है तो हम नाकाफी कैसे हो सकते हैं? ये तो हमारी सोच है ना जो हम दूसरे इंसान पर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा होता नहीं है। जिस आज अगर मैंने इस कहानी का टाइटल ऐसा रखा है तो आप खुद ये सवाल पूछ लें, क्योंकि आपके दिमाग में भी वो प्रश्न कौंच रहे हैं, यही इसका उद्देश्य था। क्या कुछ चीजें काफी कुछ वर्डिंग भी चलते आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के साइड से भी, काफी उसके फैसले कितने ज्यादा असरदार रहे हैं आपकी पूरी फिल्म मेकिंग के टाइम में, जब तक आपके जो आप शूट कर रहे थे कितना कुछ डिफरेंस ला रहा था? जब मैं रिसर्च करना स्टार्ट किया मैंने, और धीरे धीरे क्योंकि जैसे मैंने कहा बचपन से ये सवाल कौंध रहा था, और धीरे धीरे मैंने और पढ़ना शुरू किया, मैंने कई इंटरव्यूज़ देखे, बाइट्स देखे ऐसे लोगों के जो इन दिक्कतों से गुजरते हैं, और साथ ही साथ मैं अपने सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग वर्डिक्ट भी देख रही थी। दे आर डूइंग कमांडेबल जॉब, नो डाउट। हाँ, हमें वक्त लगा 2013 या 2014 में, मैं जब रिसर्च करी तभी मुझे पता चला कि पहली बार थर्ड जेंडर का कॉलम सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी किया है कि आपको किसी भी सरकारी दस्तावेज में डालना ही है, विच वॉज अ कमांडेबल जॉब, यानी कि आप लेके आ रहे हो उनको मेन स्ट्रीम के अंदर, आप सिर्फ मेल और फीमेल पर टिक नहीं करा रहे हो। उसके बाद अभी भी हम देख ही रहे हैं कि कई सारी चीज़ों पर अभी सवाल चल रहा है, लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन भारत बदल रहा है। और मेरी फिल्म के ट्रेलर में भी आपने देखा होगा एक डायलॉग है कि जहाँ पे लोग अपना पीओवी रख रहे हैं वो